नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। आज हम आपकी मुलाकात समाज सेवी तरसेम लाल चलाना से कराएंगे, जो पिछले कई सालों से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तरसेम लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। तरसेम जी, लगभग कितने सालों से आप समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? हम कम से कम 30-35 साल से समाज सेवा कर रहे हैं जी। 35 साल से आपने कहा आप समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो किस किस तरह की आपने अभी तक समाज सेवा की है, कौन कौन से ऐसे काम हैं आपके? जैसे जी, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे कोई लेडीज विधवा है, उनको पास कोई काम नहीं है, सिलाई सेंटर का काम हमने उनके लिए खोल रखा है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका सहयोग करते हैं, जैसे कि कोई आदमी अपनी लड़की की शादी करने में असमर्थ है, उसकी सेवा में हम लगे रहते हैं, जो भी हमारे से बन पड़ता है। अभी पीछे हमने 11 कन्याओं की शादी करवाई, और भी हम कहते हैं कि हम सब रल मिल के सहयोग से, और भी किसी ने अपनी लड़की शादी के लायक हो जिसकी, और उसकी शादी करनी हो तो हमारे पास वो अपना नाम लिखवाए, और हम उसमें भी उनका जहाँ तक हो सकेगा उनका सहयोग करेंगे। तसेम जी, क्या आप बच्चों को शिक्षित करने के लिए भी किसी तरह के कदम उठा रहे हैं अभी? हाँ, बच्चों को शिक्षित करने के लिए भी हम कदम उठा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो भीख मांगते हैं, इधर उधर भागते हैं, उनके लिए हमने एक स्कूल का आयोजन किया है दोगनगर झुग्गी झोपड़ी कैंप में। उनको किताबें, कापी, पेंसिल वगैरह फ्री दी जाएगी, और उनको सबको फ्री शिक्षा दी जाएगी। तरसेम जी, जैसा आपने कहा कि अभी आपने हाल फिलहाल में 11 गरीब कन्याओं का विवाह कराया था, तो 35 सालों में अब तक अगर बात करें तो लगभग कुल कितनी ऐसी शादियां आप करा चुके हैं? हम कम से कम इससे पहले जी 100-150 लड़की की शादी करवा चुके हैं जी। क्या जब आप लोगों और आगे भी हम इसी सेवा में लगे रहेंगे। तरसेम जी, जब आप लोगों के बीच उतरते हैं तो किस किस तरह की खामियाँ आपको दिखाई देती है इस समाज में, क्या दिक्कतें आपको लगती हैं कि लोगों के पास है? दिखते हैं तो सभी है जी, ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, ये इधर उधर भटकते हैं, जाते हैं, उनके माँ बाप शाम को आते हैं, शराब भी होती है, वैसे ही बच्चे करते हैं, लेकिन हम उनको उस जलजले से, उस गार से निकालना चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे, अगर उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, कल को वो इधर उधर भटकेंगे, जुआ खेलेंगे, शराब पियेंगे, नशा करेंगे, चोरी करेंगे। हम कहते हैं कि जो भी बच्चा है, बच्चा तो बच्चा ही है, अगर उनको सही टाइम पे संभाला जाए और शिक्षा दी जाए और वो सुधर जाए, तो इससे बड़ा पुण्य मैं कुछ नहीं समझता जी, इससे ज़्यादा। क्या आप कोई एनजीओ भी चलाते हैं इसके माध्यम से? हाँ, हम एनजीओ भी चलाते हैं जी, जिसमें ब्लड डोनेशन का भी काम होता है। जैसे अभी हमने पीछे भारतीय विद्यापीठ में एक कैंप लगाया था, वहाँ विद्यापीठ भारती बच्चों ने कम से कम 350-60 यूनिट ब्लड दान किया। तो ब्लड भी एक ऐसी चीज़ है कि रोटी के बगैर, पैसे के बगैर, सब चीज़ के बगैर काम चल सकता है, लेकिन ये इस जो ब्लड है, ये एक ब्लड की वजह से हम कहते हैं कि किसी आदमी की जान नहीं जानी चाहिए, और वो एक नई जिंदगी देता है। और ये भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, जितना भी हो सके किसी को फ्री सुविधा और फ्री ब्लड देते हैं, और हम आँखों का भी कैंप लगाते हैं फ्री मोतियाबिंद का, जो बुजुर्ग नहीं आ सकता उनको घर से लेके आते हैं, ऑपरेशन करवा के घर छोड़ के आते हैं, जो भी जितनी भी फ्री सेवा, जितना हम सहयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग करते हैं जी। किस नाम से आप अपनी एनजीओ चला रहे हैं सर? हमारी एनजीओ जी सर्वधर्म कल्याण न्याय एकता मंच के नाम से हमारी ये संस्था है जी। तरसेम जी, सर्वधर्म कल्याण एकता मंच आपने कहा आपकी एनजीओ है, क्या दिल्ली के अलावा और कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर आपकी एनजीओ काम कर रही है इस वक्त? हमारी एनजीओ इस टाइम सिर्फ दिल्ली में ही काम कर रही है जी। जी, क्या आगे का कोई प्लान है आपका किसी दूसरे स्टेट में पहुंचकर लोगों की सेवा करने का? बिल्कुल बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है, आगे जैसे जैसे हमारा सर्कल बढ़ता जाएगा, हम आगे और भी बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करना चाहते हैं जी। समाज सेवा के क्षेत्र की ओर बढ़ने का कोई खास मकसद? खास मकसद, दिल को सुकून मिलता है जी, गरीब लोगों की मदद करके शांति, मन को शांति मिलती है। हमारे वजह से ये कदम उठाने से अगर किसी के बच्चे सुधर जाते हैं, किसी गरीब कन्या की शादी हो जाती है, उसका घर बच जाता है,
तो इसमें हमारे को दिल को तसल्ली और सुकून मिलता है जी। सर कई दिक्कतें आपको आती होंगी जब आप लोगों की मदद करते होंगे, क्योंकि फंड की कहीं ना कहीं कमी होती होगी, पैसे इतने जुटा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में क्या आप पैसों को इकट्ठा करने के लिए कि कहीं ना कहीं से फंड आए, तो किस तरह के आप मतलब काम करते हैं, क्या किसी से मदद मिली है कभी आपको? नहीं मैम, हम ऐसा नहीं करते, हम तो जो हमारे में गुंजाइश होती है हम उसी हिसाब से चलते हैं, हमने ना कभी किसी से डिमांड की है, अपने आप जो भी खुश होकर कन्यादान देता है जिनको हम इन्वाइट करते हैं वो अलग बात है, हम अपनी पॉकेट के हिसाब से जैसे भी हमारे से बन पड़ता है, ज़्यादा होता है ज़्यादा दिया जाता है, कम होता है कम दिया जाता है, एक दो चीज़ ऐसे करके हम उनकी शादी में सहयोग करते हैं। मैं जी सर, क्या नशाखोरी को लेकर भी आप किसी तरह का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, नशाखोरी के लिए हम बहुत स्टेप उठा रहे हैं, जैसे कि बच्चे हो गए नौजवान हो गए उनको हम समझाते हैं, उनको काम दिलवाने के लिए भी हम कहते हैं, कई बच्चों को हमने नौकरियां भी दिलवाई फैक्ट्रीज में कि आप ये काम छोड़ो और नशा मत करो, इसमें ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और आप सीधे रास्ते पे आ जाओ, और हम इसमें भी पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। क्या अपनी एनजीओ में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे? क्या A1 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप किस तरह का लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं और क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे जी, जो भी हमारे साथ आना चाहे हमारे साथ जुड़ना चाहिए मोस्ट वेलकम, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ अपने साथियों को जोड़ना चाहते हैं जो भी जुड़ना चाहे, क्योंकि इसमें हमारा भी हौसला बढ़ता है, जितने हम ज़्यादा आदमी होंगे उतनी हम ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। तरसेम जी, आपने अभी तक ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिन्हें करने के बाद आपको काफ़ी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है और आपके साथ साथ आपका परिवार भी बेहद ही खुश होता है उसके बाद? हमने मैम अभी तक यही कार्य करे हैं, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई, उनको पढ़ाने के लिए उनको कापी किताबें दी और उनका स्कूल खुलवा के उनको पढ़ाने के लिए बुलवाया फ्री पढ़ाई के लिए, और जो भी हमारे पास आता है जैसे कि हमने आज कैंप लगाया, हमारे पास 10 या 15 पेशेंट आ गए हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए, उनका ऑपरेशन करवा के उनको ले आके उनको घर छोड़ के जिसको चश्मा चाहिए चश्मा दे के, और गरीब कन्याओं की जो शादी है जब हम शादी करवाते हैं और वो जोड़ा हमारे से आशीर्वाद लेके अपने घर जाता है, हमारे को और हमारे परिवार को बहुत ही सुकून मिलता है मैम, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इसमें। सर परिवार की तरफ से कितना आपको सपोर्ट किया जाता है इस काम? परिवार की तरफ से मेरे को फुल सपोर्ट मिलती है मैम, उन्होंने इस कार्य के लिए मेरे को कभी मना ही नहीं किया, मैं दिन रात धूप छाँव बरसात में जैसे भी हो मैंने कभी कोई ऐसा नहीं सोचा, और घर वालों ने मेरे को कभी इस काम के लिए कभी नहीं रोका, और हमेशा कहते हैं जितनी बेटा होती है उतनी मददगार, इस कार्य के लिए हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। सर एक सवाल आपसे ये कि आपको मतलब जब आप बाहर निकलते हैं घर से और लोगों के बीच जाते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग अभी भी अशिक्षित हैं, अभी भी समाज में जो है गरीबी वो बनी हुई है, क्या सरकार की तरफ से आपको कहीं कुछ कमी नज़र आती है किसी चीज़ में, क्या लगता है आपको कोई कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को भी हमारी? बिल्कुल मैम उठाने चाहिए, अगर गवर्नमेंट कदम उठाए तो ये सारा सिलसिला ही खत्म हो जाए, ना तो गरीबी रहे ना चोरी चकारी हो ना नशे करें, अगर समय समय पर सरकार नौजवान युवाओं को संभालती रहे और बच्चों का ध्यान रखती रहे तो ये कभी दिक्कत नहीं आती थी इस बात की, सोचने को बहुत कुछ होता है मन में आती है, लेकिन मैं और जो हमारे साथी है हमारा परिवार है हम तो अपने हिसाब से जितनी गुंजाइश होती है ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और मन में ये भी आता है कि सबका करें सबका करें, जो जो हमारे को पता चलता है मैडम हम धीरे धीरे वो सब करते रहते हैं जो हमारी तरफ से ज़्यादा जितना हो। सर अगर देश भर की बात करें तो तमाम NGO इस देश में चल रही हैं, तमाम समाज सेवा से जुड़े हुए लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, लोग कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी सारे नए चेहरे जो हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं समाज सेवा से जुड़े हुए, लेकिन उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं लेकिन समाज सेवा से जुड़ने के बाद भी वो काम नहीं कर पाते जिस काम को वो करना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं अगर हम आए अगर हम बाहर निकले हैं लोगों की सेवा करने के लिए बाहर आए हैं तो वो मुकाम वो हासिल नहीं कर पाते, उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि आखिर वो किस तरह से डटकर हर परेशानियों का सामना करें और आगे बढ़े? इस काम में दिक्कतें बहुत आती हैं और लेकिन उस दिक्कत का अगर सामना करके किसी की सेवा की जाए तो वो सेवा
101% होगी, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत परेशानियों का, दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है जी। सर, जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या सरकार को भी कदम उठाने चाहिए, तो आपका जवाब था कि बिल्कुल सरकार को कैसे कुछ अहम कदम उठाने चाहिए जिससे कि समाज में जो बुरी कुरीतियां हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। लेकिन अगर क्या आपको सरकार में बैठने का मौका मिला तो आप बैठेंगे सरकार में, और आप किस तरह के कदम उठाना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, हम जो अब कर रहे हैं हम इससे कई गुना बढ़ के गरीब लोगों की मदद करेंगे। हम मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम वैसे कर रहे हैं, फिर एक थोड़ी पावर आने के बाद तो आदमी को फिर दिक्कत नहीं आती, जो काम रुकता है वो भी हमारा काम नहीं रुकेगा मैम। उसके बाद हम बिल्कुल खुल के और अपने पूरे उससे दिल से उनकी सेवा करेंगे। सर, एक सवाल और, जब आपको समाज में सबसे ज़्यादा बुरी दशा किसकी नज़र आती है, क्या महिलाओं की या पुरुषों की? नहीं, बुरी दशा तो मैम अभी सबकी है, जिनकी घर में नहीं बनती, पुरुषों की भी है, महिलाओं की भी है। और महिलाएं जो आदमी पी के आते हैं, शराब पी के आते हैं, नशा करते हैं, तो उनकी महिलाओं की तो दशा खराब होती होती है, और साथ में जो पी के आता है उसकी भी दशा खराब होती है जी। सर, क्या काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं आप उन लोगों को समझाने के लिए? जैसे आपने कहा कि पुरुष जो है वो शराब पीकर आते हैं तो महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार करते हैं, क्या काउंसलिंग भी करते हैं आप उन लोगों? बिल्कुल करते हैं जी, हमारे को बुलाते भी है, महिलाएं भी हमारे पास आती है कि ऐसे ऐसे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, शाम को रोज उनको समझाओ। हम समझाने भी जाते हैं, लेकिन कई लोग समझ जाते हैं, कई होते हैं कि 5-7 दिन ही समझते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वही नाटक चालू कर देते हैं। लेकिन हम इसमें भी पूरी पूरी उनकी समझाने की कोशिश करते हैं जी। बिल्कुल सर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही महान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।